दोस्तों, अभी तक हमने रैनसमवेयर, वायरस, वॉर्म और ट्रोजन के बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे स्पाईवेयर के बारे में। हम आज यह जानेंगे कि होता क्या है, ये कैसे काम करता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक प्रकार का कमांड लाइन हो सकता है या कहीं एक छोटा प्रोग्राम भी हो सकता है जो चुपचाप आपके कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल, लैपटॉप से इंफॉर्मेशन चुरा कर अपने मालिक तक पहुंचा सकता है। अब ये मालिक कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या कोई कंपनी भी हो सकता है जो कि आपके डिवाइस में स्पाईवेयर इंस्टॉल कर आपके पर्सनल डाटा को चुरा रहा है। वे लोग जो कोई गेम्स ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए छोटी मोटी साइट, अननोन या मलेशियस साइट का यूज करते हैं या जो टॉलरेंस वगैरह का यूज करते हैं, उनके उसमें सॉफ्टवेयर व गेम्स के साथ साथ स्पाईवेयर भी डाउनलोड हो जाता है। ये स्पाईवेयर आपके डिवाइस से बहुत टाइप के डाटा जैसे कि कोई पर्सनल डाटा, पासवर्ड, बैंक डिटेल, एड्रेस और कई प्रकार के डाटा उठा लेता है। ऐसे साइट से जब हम गेम्स ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके साथ में हमारे डिवाइस में स्पाईवेयर भी डाउनलोड हो जाता है और जब यह नेटवर्क के कनेक्शन में आता है तो यह अपना वर्क करने स्टार्ट कर देता है और इसके मालिक यह हैकर को यह अपना फिर हमारा जो पर्सनल डाटा है वो भेजना शुरू कर देता है जिसने कि इस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा और जिस यूज के लिए वह बनाया होगा वह डाटा को वह कलेक्ट कर लेगा। और दोस्तों, हमें कई बार सुनने को मिलता है कि उसका ये डिटेल गायब हो गया, उसका बैंक अकाउंट लीक हो गया। तो दोस्तों, यह स्पाईवेयर के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों, अब बताते हैं कि हम इस तरह के स्पाईवेयर से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप एक अच्छा एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, यह फ्री हो सकता है या पैड भी हो सकता है, पर अगर आप पैड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों, जब भी कोई सॉफ्टवेयर या गेम्स डाउनलोड करें तो आप टॉलरेंस का यूज ना करें, इसके बजाय आप ऑफिशियल साइट का यूज कर सकते हैं या आप कोई अच्छा सा प्ले स्टोर का यूज कर सकते हैं जिससे कि आप इस सॉफ्टवेयर या गेम्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी टॉलरेंस का यूज कर कोई सॉफ्टवेयर या गेम्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सुझाव यही दूंगा कि इसमें आप अपना कोई भी पर्सनल डाटा ना रखें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो की जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।